तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों यहाँ पे जून की जो लिस्ट है, अप्रैल से जून की जो लिस्ट है ओटीआई अपडेट की, वो आ गई है। बट रियलमी 2 और रियलमी C1 में अभी तक ओटीआई अपडेट नहीं आया है मार्च का। यहाँ पे अप्रैल चालू हो गया है, क्यों नहीं आया और क्या हम कर सकते हैं इसके लिए, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कम्युनिटी में जाओगे, कम्युनिटी के थ्रू अपडेट वाले पेज में जाओगे, तो आपको रियलमी सी और रियलमी टू में अपडेट आपको देखने को मिलेगा। 28/3 को आ चुका है। जनरली दोस्तों जब यहाँ पे अपडेट आता है तो यहाँ पे अपडेट आने के एक सप्ताह के अंदर अंदर within 1 week आपके सभी मोबाइल में OTA अपडेट पुश हो जाता है। दोस्तों ये रैंडमली होता है लेकिन एक सप्ताह के अंदर अंदर सभी डिवाइसेस में आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे डिवाइसेज में अभी तक ये अपडेट नहीं आया है। और मैंने भी रियलमी C1 में जो अपडेट आपको दिखाया था वीडियो बना के, तो दोस्तों वो रियलमी C1 का 2GB 32GB वाला वेरिएंट था। तो मोस्टली जो ज़्यादा GB वाले वेरिएंट है उसमें मोस्टली अपडेट पहले आता है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी तक रियलमी C1 और रियलमी 2 में आपको अपडेट देखने को नहीं मिला है। बट आप यहाँ पर अब देखते हो तो रियलमी 2 में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अपडेट मैं आपको दिखा दूँ तो 2GB का साइज़ है यहाँ पे। दोस्तों आपको अगर OTA अपडेट मिलेगा तो 100 से 200 के बीच में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2GB इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको मैन्युअली सारी की सारी जो कलर ओएस की जो रैम है दोस्तों अपडेट के साथ फ्लैश करनी होती है। और ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपने पहले किया होगा तो इजी है, बट यहाँ पे प्रोसेस भी आपको देखने को मिल जाती है। पावर डाउन बटन और आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को आप एक साथ प्रेस करोगे और सेफ मोड में आपको जो रोम आप इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, वो सारी के सारी यहाँ पे फ्लैश करनी होती है। और सेम ऐसी ही प्रोसेस करनी है आपको। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका जो मोबाइल है वो क्रैश हो सकता है, वो शायद चालू ना हो। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ी डिफ़िकल्ट है और थोड़ी मेरे हिसाब से आपको ये OTA अपडेट नहीं करना चाहिए। OTA अपडेट अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अब रियलमी C1 में उतना कुछ खास फीचर्स आया नहीं है। यहाँ पे एक्सपर्ट मोड आपको देखने को मिल जाता है और रियलमी 2 में आपको सेल्फी शूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है और एक्सपर्ट मोड मिल जाता है कैमरे में। तो दोस्तों इतना कुछ खास फीचर नहीं है, इसके लिए आप OTA अपडेट का वेट कर सकते हो। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिले हो चुका है एक सप्ताह का, तो एक सप्ताह फिर भी वेट कर सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप OTA अपडेट ना करें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने मोबाइल में फ़ीचर्स चाहिए, तो फिर आप मैन्युअली अपडेट कर सकते हो। बट दोस्तों अगर आपने मैन्युअली अपडेट नहीं किया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी डिटेल दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो या फिर आप कम्युनिटी में डायरेक्ट जाके भी चेक कर सकते हो, वहां पे सारी की सारी प्रोसेस दी है। या फिर आप मेरे ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, उसमें भी मैंने सारी की सारी प्रोसेस बताई है मैन्युअली अपडेट करने की। बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पर वेट कर लेना चाहिए। अब ज़्यादा दिन नहीं है, एक सप्ताह के अंदर अंदर, फिर भी एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको OTA अपडेट आ जाएगा और आपका जो डाटा है वो भी बच जाएगा क्योंकि 100 से 200 MB के बीच का OTA अपडेट होता है और समय भी बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको जल्दी अपडेट चाहिए तो आप मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सारी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से या फिर कम्युनिटी में डायरेक्ट जाके भी मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी OTA अपडेट के बारे में। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए, वंदे मातरम।